हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स अपने को जो लगातार सीरीज चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें अपने पास पहले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का लेक्चर किया था, उसके बाद में अपने पास जनरल फॉर्मूले किए थे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, एल्कोहल के, कीटोन के, एल्डिहाइड के, इन सब के अपने जनरल फॉर्मूले किए थे ताकि नामकरण में क्या बने, आसानी बने। तो उसी को आगे उसका कंटिन्यू पार्ट, है ना, थोड़ा सा वो लेंथी हो रहा था तो इसको सेकंड पार्ट में डाल दिया। तो इसको अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मान लो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बात करें कि वो पहले दो लेक्चर आप जरूर देखें ताकि आपका बेस बन जाएगा, धीरे धीरे कंटिन्यू सीरीज बन जाएगी। ओके, तो इसको अपने आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए अपने पास बात कर रहे हैं कि सहजात श्रेणी व सामान्य सूत्र, ये अपने पास बात कर रहे थे। आप कहोगे सर सहजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी क्या होती है, क्योंकि अपने पास जो कार्बन में कैटेशन का गुण पाया जाता है, तो जब इसको एक अपनी लिखते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, इनको कॉमन फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जिसमें यदि अपने पास संख्या बढ़ाते हैं नंबर ऑफ कार्बन की, तो अपने पास दो क्रमागत सदस्यों में 14 अणुभार का अंतर आता है, है ना। तो ये सब चीजें अपने बात कर चुके थी, तो किन किन पर बात हो चुकी थी तो वो अपने पास देख लेते हैं कि अपने पास प्रीवियस लेक्चर में किन किन पर बात हुई थी। एल्केन की, उसके बाद में अपने पास एल्कीन की, किन के सामान्य फॉर्मूले किए थे, उसके बाद में यदि आपको याद करवाएं कि एल्काइन का, है ना, उसके बाद में यदि बात करें एल्कोहल का, इन सब के अपने पास क्या किए थे, फॉर्मूले किए थे। एल्कोहल का किया था, कहीं आप कहोगे सर कीटोन का किया था, है ना, एल्डिहाइड का किया था, तो ये अपने को याद करने थे। जैसे मान लो स्पोरोडेटिस का क्या था, जो आपको इंपॉर्टेंट बताया था, CnH2n+2। एल्कीन का क्या था, CnH2n। उसी प्रकार एल्काइन का क्या था, CnH2n-2। ये इस प्रकार थे, है ना। तो एल्कोहल का हो गया, कीटोन का हो गया, एल्डिहाइड का हो गया, इन सब का अपने कर चुके थे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये याद होगा। और बाकी अपने पास पे बात करते हैं नेक्स्ट, आज अपने पास क्या करने वाली है। तो इस लेक्चर में अपने पास मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, फर्स्ट सहजात क्या होगा और अपने पास सामान्य फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट सहजात का दिया है, तो अपने पास फर्स्ट सहजात कौन सा होने वाला है ना। तो यहां पर अपने पास देखें कि इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले कॉमन फॉर्मूले की बात करें तो देखो इनका क्या होने वाला है, CnH2n दिए हैं, और अपने पास क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका कॉमन फॉर्मूला देखते हैं कि ये सही है क्या। इसके अकॉर्डिंग अपने पास n का मान रखेंगे और n के मान के अकॉर्डिंग अपने को क्या ज्ञात करना है कि इसका प्रथम सहजात क्या होगा और इसका क्या नाम होगा, क्या इसका नाम होने वाला है। तो ये अपने पास बात करें तो n का आपको अर्थ पता होगा कि n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या क्या होने वाला है, कार्बन की संख्या कि कितनी है। यदि सपोज दैट आपने एन का मान क्या रखा, आपने कहा कि सर हम फर्स्ट सहजात ज्ञात कर रहे हैं, तो अपने पास एन का मान क्या है, एक है, एन का मान क्या रखा, एक। यदि आपने एन का मान एक रखा है तो अपने पास फॉर्मूले में देखो कार्बन क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि आपने एन का मान क्या रखा, एक। फिर एच का मान क्या रखा, टू, एन, एन का मान एक है और ओ टू है, है ना, ओ टू ऑक्सीजन का नहीं है, यानी कि ये नंबर में दिया है। तो यहां पर अपने पास क्या क्रिएट हुआ है कि एक अपने पास, यहां देखो कार्बन कितना, एक, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कितनी है, दो। इनसे अपने पास यदि कोई ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनने वाला है, HCOOH, ये इसका पहला ग्रुप बनेगा। ये क्या बनेगा, न्यूनतम कार्बोक्सिलिक अम्ल का फर्स्ट ग्रुप बनेगा, जिसको क्या कहेंगे, फर्स्ट सहजात कहेंगे, क्या कहेंगे,
फर्स्ट सहजात। अब आप कहूं सर इसमें कार्बन की संयोजकता कंप्लीट कैसे होगी, है ना? तो देखो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करें तो ये देखो इसकी ओपन स्ट्रक्चर ऐसे होती है, कैसे होगी इसकी ऐसे स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? ओके, यहां तक तो हो गया ना याद। अब मान लो ये अपने पास लिखा है, अब आप कहोगे सर इसका नाम क्या होने वाला है, है ना? तो नामकरण अभी तक करवाया नहीं है, फिर भी आपको देख लेते हैं कि ये नामकरण क्या होने वाला है। तो इसको अपने पास एक कार्बन को क्या कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। सब में सिंगल बॉन्ड है सर, इसमें डबल बॉन्ड है, ये नहीं होगा, ये एक ग्रुप माना जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लगा, मेथेन, एन लग गया, मेथ एन। और इसका ये ग्रुप लगा मिलता है तो ये सबसे प्रबल ग्रुप रहता है, और इसका अनुलग्न क्या लगता है, इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। तो अपने पास यहां पर क्या हो गया, ओइक एसिड। और अपने पास ये वोवल्स दिए जाते हैं तो इनको एक साथ नहीं लगता है तो ये हटा दिया, तो अपने पास क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। क्या बन गया, मेथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। और जो नए स्टूडेंट है तो इनको देखो कॉमन नेम भी अपने को ध्यान रखना होता है, कॉमन नेम इसका क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। इसका कॉमन नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड कहेंगे। तो अभी तक आपको ये कॉमन नाम याद रखना होगा, फॉर्मिक एसिड याद हो गया ना। अब आप कहोगे सर हम तो इसमें बात कर रहे हैं कि दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपने, कहा कि सर हम तो एन का मान क्या ले रहे हैं, एन का मान दो रख रहे हैं, तो कौन सा ग्रुप क्रिएट होगा, तो कौन सा ग्रुप क्रिएट होगा। तो अपने पास फॉर्मूला था सी एन एच टू एन ओ टू, इसमें आपने एन का मान दो रखा, एन का मान दो रखा तो आपके पास दो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन दो दुए चार हो गए और ऑक्सीजन दो हो गए। इससे अपने पास बनाते हैं तो ये अपने पास दो कार्बन का क्या बनाना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा। आपने क्या किया, ऐसे दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, इसकी आपने क्या कर दिया, संयोजकता कंप्लीट कर दिया, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नया नेक्स्ट सहजात दो कार्बन का ग्रुप तैयार हो गया। क्या हो गया, दो कार्बन का ग्रुप तैयार हो गया, दो कार्बन का ग्रुप तैयार हो गया। तो अब दो कार्बन को क्या कहते हैं, अब आप कहोगे सर दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया और ओइक एसिड लग गया, इसका क्या, अनुलग्न। तो जब नाम करते हैं, नामकरण करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, जिसको ऐसे लिख दिया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ओके सर, एथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा लेक्चर, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और सर आप कहोगे कि अभी एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया गया था, एसिटिक अम्ल को सर्वप्रथम तत्वों से मिलाकर प्रयोगशाला में बनाया गया था, वो कौन था, एसिटिक अम्ल था। और किन ने संश्लेषण किया था, कोलबे नाम का साइंटिस्ट था। कौन था, कोलबे नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने इनका एसिटिक अम्ल का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। ओके, तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको इस प्रकार समझ में आ गया होगा। यदि आप एन का मान तीन रखते हैं तो तीन के हिसाब से हो जाएगा, एन का मान फोर रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूले क्रिएट होते रहेंगे। कहानी समझ में आ गया है ना, यदि कहानी समझ में आ रही है तो आप इनको क्या करें, अच्छी तरीके से राइट डाउन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, आपको 100% केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जेट आईसीआर बीएचयू 11th 12th है ना, जो भी आपके जो सिलेबस में लगे हैं तो उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा काम। ओके चलो बात करें नेक्स्ट। अब अपने पास दिया एस्टर, तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप कहूं सर एस्टर को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सी ओ ओ आर। तो यहां देखो दोस्तों, यहां पर आर क्या होता है, आर होता है एल्काइल ग्रुप, आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, आर क्या होगा,
एल्काइल ग्रुप होगा, है ना। तो आर एल्काइल ग्रुप दिया है, तो यहां आर में अपने पास आर का अर्थ हो गया कि यहां पर अपने पास मान लो सबसे न्यूनतम छोटा ग्रुप क्या हो गया, मिथाइल, मिथाइल लगेगा। तो इसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो एस्टर के लिए आपको न्यूनतम तीन कार्बन की आवश्यकता होगी। मिनिमम कितने कार्बन की, तो मिनिमम आप कहोगे सर तीन कार्बन की आवश्यकता होगी। मिनिमम कितने कार्बन की, तीन कार्बन की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आपके पास आप कहोगे सर n का मान कितना लेकर चलें, n बराबर तीन रखना होगा, तब इसका प्रथम सहजात आएगा, तब इसका क्या आएगा, प्रथम सहजात आएगा, है ना। ओके, तो n का मान तीन रखा, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होने वाला है, जनरल फॉर्मूला इसी का भी क्या होगा, इसका भी जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n4O2। ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n4O2, है ना। अब अपने पास यूं देखो कि यदि इसमें n का मान कितना रखें, n का मान आप कहोगे सर तीन रखें, n का मान कितना रखें, तीन रखें, तो तीन रखा, तो यहां पर अपने पास फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग क्या हो गया, C3, तीन दो छह, हाइड्रोजन कितने हो गए छह, ऑक्सीजन कितने हो गए दो, इससे अपने को फर्स्ट ग्रुप मिलेगा, इससे अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप मिलेगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो प्रथम सहजात कौन सा बनने वाला है, प्रथम सहजात बनने वाला है देखो इस प्रकार, एक दो तीन कार्बन का बन गया, है ना। अब आप कहूंगे सर छह हाइड्रोजन लगानी है, दो ऑक्सीजन लगानी है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, ऐसे दो ऑक्सीजन लगा देंगे, ये लो दो ऑक्सीजन लगा दिया। अब यहां पर इसकी संयोजकता पूरी कर दी, फिर बात करते हैं इसकी संयोजकता कंप्लीट कर दी, और ये अपने पास क्या हो गया, एटोमेटिक स्ट्रक्चर तैयार हो गई, है ना। तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, तीन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तीन दुए छह, और ऑक्सीजन कितना लग गया, दो। तो इस प्रकार अपने पास ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, यानी कि एस्टर का क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। तो अब आप यहां कहोगे कि आप कहोगे सर यहां पर देखो, कहने का अर्थ है कि एस्टर है, या यूं कहें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और एस्टर दिया है। तो आप कहोगे सर इनके भी तो सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूले हैं वो सामान्य, तो यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यदि अणु सूत्र समान हो और स्ट्रक्चर यदि भिन्न हो, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपस में समावयव हो जाएंगे। तो क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर आपस में क्या होते हैं, समावयव होते हैं क्या, हाँ, तो ये आपस में क्या होंगे, समावयव होंगे, आइसोमेरिज्म होंगे। तो यहां पर मान लो, तो इसके लिए आपको तीन कार्बन का ये लेना होगा एस्टर, तो सर तीन कार्बन का एस्टर लिया, तो इससे अपने को बना CH3COOCH3। तो अब तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनेगा, तो यहां देखो CH3CH2COOH ये बन जाएगा, CH3CH2COOH बन जाएगा, ओके। तो अब अपने पास बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखो, अब आप कहोगे सर इसमें कितने कार्बन थे, इसमें तीन कार्बन थे, इसमें कितने थे, C3 थे, हाइड्रोजन कितने थे छह, और ऑक्सीजन कितने थे दो। यहां पर भी अपने पास कार्बन कितने हैं, तीन, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन दो पांच और एक छह, और ऑक्सीजन कितनी है दो। तो इनका अपने पास ये क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि अणु सूत्र क्या है, समान है, और स्ट्रक्चर क्या है, भिन्न है, तो ये आपस में क्या है, समावयव है, ये आपस में क्या है, समावयव है, है ना, ओके। चलो यहां तक हो जाएगा याद, ठीक है सर। अब अपने पास बात कर रहे हैं एमीन का, अब किसका बात कर रहे हैं, एमीन का कर रहे हैं। तो यहां पर अपने पास सामान्य सूत्र एमीन का क्या होने वाला है, जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो एमीन का यदि बात करें, एमीन का यदि बात करें, तो CnH2n+3 और ये इसका क्या होगा, n, ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला, क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा,
कहानी समझ में आया, ओके है ना। अब अपने पास बात करें सी एन एच टू एन प्लस थ्री एन, इसके अकॉर्डिंग आपको नामकरण करना होगा, यानी कि अपने को इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सहजात देखते हैं कि कौन सा प्राप्त होता है। तो यहां पर देखो, यदि आपने एन का मान क्या रखा, आपने कहा सर एन का मान एक रखा, एन का मान क्या रखा एक रखते, तो एन का एक रखा तो आपके पास क्या आ गया सी एक आएगा। तो दो एकम दो, एन का मान रखा दो एकम दो और तीन पांच, हाइड्रोजन कितने मिलेंगे पांच, और आपके पास एक हो जाएगा एन। इससे आपको फर्स्ट सहजात बनाना है, फर्स्ट सहजात बनाना है। तो अपने पास एमीन को देखो, तो एमीन को रिप्रेजेंट कैसे करती है, आर एन एच टू से करती। एक नंबर बात सिंपल देखें तो यहां तक देखा, तो यहां तक देखा तो अपने पास क्या हुआ, यहां अपने पास इसके अकॉर्डिंग देखी तो आपने क्या किया सी एच थ्री, सी एच थ्री, और आपने क्या लगा दिया एन एच टू लगा दिया। तो अब आप देखोगे कि इसमें एक कार्बन हो गया, आपको सर एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए तीन और दो पांच हाइड्रोजन हो गए, एक एन हो गया। तो अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, बनने वाला प्रोडक्ट फर्स्ट सहजात ये बन गया, फर्स्ट सहजात ये बन गया। तो इसमें एक कार्बन है मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लग जाएगा एमीन, तो मेथेन एमीन, क्या बन जाएगा मेथेन एमीन। मेथेन एमीन तो मेथेन एमीन बन जाएगा, है ना। अब आप कहोगे सर हम तो इसमें दो कार्बन रखकर देखते हैं, दो कार्बन रखकर देखते हैं, वो डेट आपने इसमें एन का मान क्या किया दो रखा, आपने एन का मान क्या रखा दो रखा, तो आपने दो दो मान रखा तो दो के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो दो के अकॉर्डिंग एन का मान रखा तो सी टू, दो दो चार और तीन सात, हाइड्रोजन कितने आ गई सर सात, एन का एन। तो इससे आपको क्रिएट करना होगा फॉर्मूला। अब आपने दो कार्बन लगा दिए इसे सी एच थ्री एन एच और सी एच थ्री। अब देखो ये ग्रुप ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये ग्रुप क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा। तो अब आप कहोगे सर इसमें सात हाइड्रोजन है क्या, आपने काउंट किया तो आपने कहा कि सर हाँ तीन हाइड्रोजन तो ये रहे, तीन ये रहे छह, और एक हाइड्रोजन ये रहा, सात हाइड्रोजन है, सात हाइड्रोजन है। दो कार्बन है क्या, आपने कहा सर दो कार्बन है, दो कार्बन है, और एक एन है क्या, एक एन है। तो क्या ये सही है, सही है। पर ये जो बन रही थी तो ये सरलतम एमीन था, ये एक डिग्री एमीन था, ये आप कहोगे सर दो डिग्री एमीन है, ये क्या है दो डिग्री एमीन है ना। एमीन का अलग केस भी समझाएंगे कि कैसे डिग्री बनता है, तो अभी तक आपको ध्यान रखना है कि ये एमीन क्या है दो डिग्री एमीन है ना। अब आपने मान लो सपोज दैट एन का मान रखा तीन, एन का मान रखा तीन, तो सी एन एच टू एन प्लस थ्री और एन दिया, यहां तक हो गया। तो इस हिसाब से अपने पास देखो एन का मान तीन रखा तो आपने कहा सी थ्री, तीन दो छह और तीन नौ और एन आ गया। अब इससे आपको स्ट्रक्चर तैयार करनी होगी, तो इससे स्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे, सी एच थ्री एन सी एच थ्री और एन, सॉरी ये सी एच थ्री हो गया। तो इस प्रकार अपने पास क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा, सॉरी एमीन बन गया, एमीन बन गया। तो ये क्या है, ये तीन डिग्री एमीन है, ये क्या है तीन डिग्री एमीन है। पर इसमें भी अपने पास कार्बन की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर कार्बन की संख्या तीन, हाइड्रोजन की कितनी है तीन, तीन नौ और एक एन। तो ये स्ट्रक्चर अपनी क्या होगी सही हो गई, है ना। इस हिसाब से अपने को ये मोस्ट ऑफ ग्रुप क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इतने आपको क्या होने चाहिए, इनके फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले याद होना चाहिए, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको तैयार करना आना चाहिए, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना, समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।